हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे IBM इंडिया के बारे में। इस कंपनी में बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो लोग स्पेशली इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT सेक्टर से चाहते हैं IT सेक्टर में काम पाना, यहाँ पे इस कंपनी से बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इस मंथ में। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कि आपको क्या फॉर्म फिलअप करना होगा, सब कुछ मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इसके पहले अगर आप इस पेज अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस पेज में आना पड़ेगा। इसलिए आपको इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। उसके बाद इस पेज में आने के बाद आपको यहाँ पे बिगिन योर जर्नी जो कि है लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, जो जॉब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चला आएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जो ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे सिटी में इसका जो जॉब का वैकेंसी निकला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फास्ट जो कि पोस्ट हुआ है यहाँ पे टेस्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट ऑटोमेशन, जिसका जॉब लोकेशन रहेगा हैदराबाद तेलंगाना में। उसके बाद है एप्लीकेशन डेवलपमेंट डेवलपर, जिसका जॉब लोकेशन रहेगा आपका बेंगलोर कर्नाटका में। उसके साथ साथ और भी कुछ पोस्ट यहाँ पे पोस्ट हुआ है। तो अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ में है, यहाँ पे कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह से बहुत सारे सिटीज़ में इसका जो वैकेंसी निकला हुआ है। आप लोग अगर चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के ऊपर आपका क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसका जो डिटेल्स है इस जॉब पोस्ट की आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट जो है पैकेज एप्लीकेशन एनाबल स्पेशलाइज्ड, जिसका कंट्री रहेगा इंडिया में, स्टेट रहेगा कर्नाटक का, सिटी इसका बेंगलोर है, कैटेगरी इसका है टेक्निकल स्पेशलाइज्ड, रिक्वायर्ड एजुकेशनल रिक्वायर्ड जो कि है बैचलर डिग्री, प्रोफेशनल टाइप पोजीशन टाइप जो कि है प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो कि है रेगुलर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जो कि ये दिया हुआ है जॉब का डिटेल्स। इसके साथ साथ यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये लोग मांग रहा है यहाँ पे बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन पास। अगर आप कोई भी स्ट्रीम से आप अप्लाई ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर चुके हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अप्लाई नाउ का जो कि बटन है आपको इसमें क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म आएगा रजिस्ट्रेशन के, आपको उस फॉर्म को फिलअप करना हो। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उस फॉर्म का डिटेल्स यहाँ पे चला है। आपको यहाँ पे आपका नाम देना होगा, आपका लास्ट नेम देना, उसके बाद आपका जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस है आपको वो देना होगा, उसके बाद आपका जो की वर्ड्स है आपको यहाँ पे देना होगा, जॉब कैटेगरी जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे वो देना होगा, उसके बाद आपका कंट्री सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपका कनेक्ट एंड अप्लाई जो कि है यहाँ पे लिखा आपको वहाँ पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ इसका जो डिटेल है, इसके साथ साथ आपको आपका जो डिटेल्स या आपका एप्लीकेशन जो है आपको वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको वेट करना होगा कुछ दिन में, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, अगर आपका जो एप्लीकेशन सिलेक्टेड हो जाता है तो उसके बाद आपका एक कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अगर पास कर जाते हो उसके बाद आपका ये जॉब जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं IBM के और भी बहुत सारे जो कि पोस्ट निकला हुआ है उस पोस्ट के लिए भी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। और कोई भी प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।